नमस्कार, मैं हूं सोनिया जैसवाल। आप देख रहे हैं एचएमएस इस वक्त हो गया है खबरों का। महाराष्ट्र के ठाणे की झील में 36 वर्षीय मजदूर का शव बरामद किया गया है और पुलिस को इसके पीछे हत्या का शक है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। विठलवाड़ी पुलिस थाने के निरीक्षक धनंजय पुंडलिक कापरे ने बताया कि मृतक की पहचान चंद्रकांत लक्ष्मण शेलार के रूप में की गई है, जो यहाँ नवी मुंबई के घनसोली इलाके का रहने वाला है। कापरे ने कहा कि शेलार लापता था और उसके परिजनों ने 27 अगस्त को रबाले पुलिस थाने में इस बाबत शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि 30 अगस्त को ठाणे जिले के कल्याण के चिंचपाड़ा की एक झील में शेलार का सड़ा गला लाश मिला और पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया। अधिकारी ने बताया कि बुधवार को हुए पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के गले पर घाव के निशान मिले, जिसके बाद अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि दोषियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये थी हमारी आज की खबरें। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए एचएम न्यूज के साथ।